और इस बीच एक बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं चिंताजनक हैं, लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति को बयां करते हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं, यह कहना राहुल गांधी का। एक पोस्ट पर यह बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं कि शहीद का परिवार भुगत रहा है खामियाजा, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। उत्तर डोडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान जारी है, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं देश में किस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई। राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पोस्ट पर यह बातें लिख रहे हैं। और शिवसेना के लोग जम्मू में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हाथों में, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से वहां पर तिरंगा लिए ये तमाम जो शिव सैनिक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है और कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आसिफ, अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी और मिल पा रही, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई थी उसमें ये कहा गया है कि ये एक घात लगाकर किया गया हमला है, जिसमें सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों को उस जगह पे लाया गया जहां पे मिलिटेंट ऊपर पहाड़ पे बैठे थे और वहां से उन्होंने नीचे से ऊपर आ रहे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवानों की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हुई और उसमें कुछ जवान जख्मी हुए, माना यही जा रहा है कि एक मिलिटेंट को भी गोली लगी है, लेकिन इसके बाबत कोई भी पुख्ता जानकारी इसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से साझा की नहीं जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है और जिस जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है वो दक्षिण कश्मीर से सटा हुआ डोडा का इलाका है और यहीं पे एक चिंताएं जो है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि घटना को अब 15 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अगर पैदल भी इस जगह से जो मिलिटेंट जो है जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया वो चले होंगे तो वो काफी दूर तक भी जा सकते हैं, इसीलिए जो सुरक्षा का घेरा है वो और ज्यादा बढ़ा के उसमें दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों के कुछ हिस्से भी जोड़ दिए गए हैं जहां पे सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तलाशी ले रहे हैं। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है और तलाशी अभियान को व्यापक किया जा रहा है, क्योंकि डोडा में होने वाला ये तीसरा बड़ा हमला है जिसमें सेना के जवानों को इस तरीके से निशाना बनाया गया है और कहीं ना कहीं चिंताएं इस बात की है कि डोडा जैसे क्षेत्र में जहां पर सीमा नहीं है, डोडा का इलाका या दक्षिण कश्मीर का इलाका ये कोई सीमावर्ती इलाका नहीं है, ये मध्य इलाका है और यहां तक अगर इस तरीके से मिलिटेंट पहुंचे हैं तो वो घुसपैठ करके ही आए हैं, यानी काफी समय से वो इस इलाके में मौजूद है, काफी ज्यादा इलाके से होते हुए वो यहां पे पहुंचे हैं और जिस तरीके के फायर पावर यानी जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके वो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो धीमे धीमे ही आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा बल किसी भी हाल में एक और कैजुअलिटी लेने को तैयार नहीं है। न्यूट्रलाइज करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है इन मिलिटेंट्स के खिलाफ, इसी इलाके में पिछले हफ्ते 3 मिलिटेंट्स को रोक रहा हूं। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली, उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए, आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए, यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड कभी इनकम टैक्स का रेड, हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया, यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है।
आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के मिलिटेंसी का इल्जाम देके हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है। तो केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला कर रही थी महबूबा मुफ्ती, और राहुल गांधी ने भी जो वहां पर घटना घटी है डोडा में जो मुठभेड़ हुई उसको लेकर सरकार को घेरा है। और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए ये समय राजनीति का नहीं बल्कि जवानों के साथ खड़े रहने का है, सेना का मनोबल बढ़ाने का समय है, ये कहकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया है। जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ हुई आतंकी घटना पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और देश की सेना भुगत रही है। क्या कहेंगे सर? जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये घटना हुई है, सेना की कार्रवाई के दौरान हमारे जवानों की शहादत हुई है, हम सबको इसका दुख है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान ये हमारे जवानों की शहादत हो गई। तो जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि उस पर सियासत करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सियासत से बाज नहीं आती है। हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह वो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और आतंक और आतंकियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकी हैं उनको बिल से भी तलाश कर उनको मौत के घाट उतारा जाएगा और आतंक और आतंकियों के आका को भी सबक सिखाया जाएगा। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति न करे। शहनवाज भाई, उन्होंने ये भी कहा है कि हर भारतीय देशभक्त भारतीय की मांग है कि सरकार इसकी जवाबदेही ले कि सुरक्षा की चूक कैसे हुई, क्यों हुई। देखिए, हमारी सेना ने कोई चूक नहीं की। हमारी सेना पूरी ताकत से आतंकियों को घेर रही थी, उसी दौरान ये घटना घटी है और हमारे चार जवान और एक अधिकारी शहीद हुए हैं। तो अभी सेना के साथ मजबूती से खड़े रहने का वक्त है, न कि राजनीतिक बयानबाजी का वक्त है। कह रहे हैं हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। सेना वहाँ कार्रवाई कर रही है, उस दौरान घटना हुई है। जो नीति की बात है, जो बयानबाजी की बात है, बाद में कर लेंगे। अभी तो सेना के साथ पूरी ताकत से खड़े रहना चाहिए और सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो शहनवाज हुसैन को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं इस वक्त, जो कि ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकियों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। तो डोडा हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है कि सैनिकों की शहादत का बदला लिया जाएगा। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये बात भी कही मनोज सिन्हा ने। दरअसल डोडा में जो मुठभेड़ हुई इन सैनिकों की आतंकवादियों के साथ, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए और कांग्रेस अब इसे राजनीति के चश्मे से देख रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसकी नीतियों की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। बीजेपी का जवाब यह कि अभी वो वक्त नहीं कि इस पर राजनीति करें। बहुत ही शौर्यता का परिचय दिया है, वीरता का परिचय दिया हमारे सैनिकों ने।
पिछले दिनों में जो आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप गौर करेंगे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। पिछले कुछ समय से ये घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी हैं। ये देखिए 15 जुलाई 2024 डोडा हमले में 5 जवान शहीद हुए, ये घटना जिसका जिक्र इस वक्त मैं आपसे कर रहा था। 8 जुलाई 2024 की घटना जब कठुआ में सैन्य काफिले पर हमला हुआ, 5 जवान तब भी हमारे शहीद हो गए थे। 7 जुलाई 2024 को राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, एक सैनिक तब भी घायल हो गए थे। ये 7 जुलाई की बात है। 26 जून 2024 की बात की जाए तो डोडा एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए, यानी तब बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों को मिली थी। 11 जून 2024 को कठुआ और डोडा में 3 एनकाउंटर हुए और तब भी हमारा नुकसान हुआ था, एक जवान हमारे शहीद हो गए थे। 9 जून 2024 की घटना, रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था, 9 लोग मारे गए थे, बहुत ही दर्दनाक ये घटना 9 जून वाली। एक महीने में बड़ी आतंकी वारदात, वो पूरी घटनाएं आपके सामने हमने रखी हैं। सवाल ये कि अगर इस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, ये जो पैटर्न नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर एक बात जो दिखती है वो ये कि आतंकवादियों के अंदर अब छटपटाहट है, बौखलाहट है। ये देखिए, ये तमाम घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने, और सवाल ये भी कि क्या अब लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को अभी भी मिल रहा है, क्यों इस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो भागने में कामयाब हो जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।